किसने सोचा था कि 2021 और 22 में जिस एक्टर के खिलाफ सबसे ज़्यादा निगेटिविटी होगी उनके बेटे को एक फालतू के केस में फंसाया जाएगा, दुनिया भर की नौटंकी करी जाएगी, ढेर सारे हेटर्स जन्म लेंगे एंड फिर वही एक्टर 2023 में राइज होगा कैसे, एक किंग की तरह। एंड उसके बाद जिस तरह से उसका राइज होगा लोग शॉक होकर रह जाएंगे, कुछ लोग तो अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की थी पठान ने। लेकिन चाचा रुको, तुम्हारे कष्टों को, दर्दों को, दुखों को, तकलीफों को पढ़ाने के लिए एक बार फिर से आ चुके हैं किंग खान के सर। एंड इस बार जब उन्होंने दोबारा से अपनी एंट्री मारी है तो वो इस लेवल की है कि जितना तुम पिछली बार रोए थे, मैं हेटर्स की बात कर रहा हूँ फैंस की नहीं, जितना तुम बेचैन हुए थे, जितना तुम कॉर्पोरेट बुकिंग चिल्लाए थे, जितना तुमने बॉयकॉट गैंग वगैरह के साथ मिलकर 2 रुपए पर ट्वीट करके निगेटिविटी फैलाई थी, उसको तुम और रोना धोना मचा सकते हो। पठान चल गई थी तो बहुत सारे लोग उसके कलेक्शन को मान नहीं रहे थे, एंड जो लोग मान गए वो बोले कि मूवी इसलिए चल गई है क्योंकि SRK सर ने कमबैक किया 4 साल बाद, तो इसलिए लोग एक्साइटमेंट में पिक्चर देखने चले गए हैं। लेकिन अब जब जवान की एडवांस बुकिंग इस लेवल पर जा रही है कि वो पठान से आगे जा रही है, तो इस बार चाचा लोग कौन सा एक्सक्यूज बनाएंगे कि SRK सर 6 महीने बाद कमबैक कर रहे हैं, मतलब कमबैक क्या, बहुत बड़ा कमबैक हो गया ये तो, या फिर इसलिए कि मूवी के अंदर कॉन्टेंट बहुत बेहतरीन है। हमेशा से कहा गया कि मूवी तुम बहुत अच्छी बनाते हो, ऑडियंस की पसंद पे जाओ। भाई लोग तो पिक्चर बनाते ही रहते हैं कब्जा टाइप की भी, और कहते हैं कि वो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर है, पर ब्लॉकबस्टर मूवी वही होती है जिसको ऑडियंस रिस्पांस देती है, क्योंकि हम ऑडियंस के लिए ऑफ कोर्स मूवी बनाए रहे होते हैं। जब पठान मूवी ने 55 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी तो अपन सोच रहे थे कि इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, भाई 52-53 KGF भी चली गई अभी इसका रिकॉर्ड एक्चुअल में तोड़ेगा कौन, पर वो कहते हैं नहीं, एक किंग को वेट करने के लिए सिर्फ किंग ही आएगा, मतलब 7 महीने पहले आके पहले अपनी मूवी से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना देना एंड उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक नई मूवी लेके आना। जवान मूवी ने अप्रॉक्सिमेटली 14 लाख के करीब टिकट बेचे हैं अभी तक, 3 से 4 घंटे भी एडवांस बुकिंग खुली रहेगी, 12 बजे तक का शो काउंट होगा, तो और भी बढ़ने के चांसेस हैं। पर जिस हिसाब से टिकट बेचे हैं पठान को बीट कर दिया मूवी ने, दैट मीन्स कि SRK सर ने खुद को ही बीट कर दिया है एक बार फिर से, पर एक्चुअल में हर एक मायने में अभी तक नहीं, क्योंकि पठान ने जो रिकॉर्ड बनाए थे वो भी अपने आप में टॉप लेवल के थे, एंड मूवी ने 14 लाख टिकट जरूर बेचे हैं लेकिन इसने अभी भी नेशनल चेंस के अंदर पठान को बीट नहीं किया है। पठान मूवी ने 5,56,000 के करीब जो है नेशनल चेंस में टोटल टिकट बेचे थे, जो कि हिंदी सिनेमा की 2nd सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाली नेशनल चेंस के अंदर मूवी बन जाती है, जिसमें बाहुबली 1 अभी भी टॉप कर रही है, सॉरी बाहुबली 2 6,50,000 टिकट के साथ। लेकिन जवान भी अपनी कम पीछे नहीं है, 9 बजे रात तक के आंकड़े माने जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 1 घंटे पहले के, तो अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख के करीब टिकट इसने अपने नेशनल चेंस से बेच लिए हैं, एंड 2-3 घंटे में अब देखना यह रहेगा कि कितने टिकट बेचती है। अगर 1 लाख बेच लेती है तो पठान को एक मार्जिन में पीछे करेगी एंड बाहुबली के बाद ही स्टैंड करने लग जाएगी, एंड अगर 50 से 60 हज़ार भी टिकट बेचे तो पठान शायद से बीट हो ही जाएगी। तो ये देखने में मजा जरूर आएगा कि क्या SRK सर अपने खुद की मूवी को बीट कर पाते हैं अपनी खुद की एक पिक्चर से, मतलब सोचो कैसा वाइब आ रहा है, या फिर पठान टॉप में ही रहती है। इसी बीच अगर हम जवान की टोटल एडवांस बुकिंग में पैसों की बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली 35 करोड़ की करीब जो है इस मूवी ने एडवांस बुकिंग अभी तक कर ली है, एंड ये ऑलरेडी एक बार फिर से पठान को पीछे छोड़ चुकी है। पठान जो कि बॉलीवुड की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग करने वाली पिक्चर थी, जिसने अप्रॉक्सिमेटली 32 करोड़ के करीब जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन किया था, उसको एक बड़े मार्जिन में पीछे छोड़ने वाली है जवान। 3 करोड़ ऑलरेडी आगे निकल चुकी है, एंड अगर 2-4 करोड़ और भी आ जाते हैं 3-4 घंटे के अंदर, दैट मीन्स इट्स अ फेनोमिनल। भाई तुम जी रहे हो SRK सर के उस एरा में जिसके लिए लोग तरस गए हैं, 90s का वो एरा फिर से बैक आ गया है जहाँ पर SRK सर धूम मचा देते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर रिव्यू से थोड़ा हटके जाए तो मैं पर्सनली इस चीज के लिए बहुत बड़ा अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ कि मैं उस एरा में पैदा हुआ जहाँ पर SRK सर ने एक बार फिर से, या फिर हम एक सुपरस्टार के सुपर स्टारडम को देख रहे हैं कि भाई सुपरस्टार होते क्या है एक्चुअली में, उनके लिए क्रेज क्या होता है। पठान में 2 घंटे आधे डायलॉग नहीं समझ में आए थे, इतनी सीटी बजी थी, अभी तो 2 घंटे 49 मिनट की पिक्चर है, तो देखना रहेगा कि कितनी सीटियां तालियां बजती हैं, एटली कुमार ने जो मास मसाला भरा है वो हिंदी ऑडियंस को कितना ज्यादा पसंद आता है। स्ट्रेट एनालिस्टों ने यह अनुमान लगाया कि मूवी कहीं ना कहीं 110 करोड़ से 120 करोड़ के बीच में जो है ओपन होने वाली है, एंड भाई ये हर एक SRK सर के फैन के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा, एंड ये इंतजार के फल की तरह है कि जब तुम्हारे एक्टर की मूवी नहीं चल रही थी तब भी तुम उसके साथ खड़े थे, आज उसके सही टाइम में, या फिर आज उस चीज को तुम इंजॉय कर रहे हो जो तुम लोग डिजर्व करते हो। एंड इवन SRK सर के लिए नहीं बल्कि हर एक बॉलीवुड के फैन के लिए जो बॉलीवुड के साथ उसके सबसे वर्स्ट टाइम पे खड़ा रहा, उसके लिए भी एक प्राउड मोमेंट जैसा फील होता है। खैर तुम्हें
तुम्हें कैसा लग रहा है जब इस आईपीएल से खुद को ही बीट कर रहे हैं, ये तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी जवान के लिए कितना एक्साइटेड हो ये भी बताओ, मेरे पास फटाफट 1000 करोड़ जितना भी तुम भेज पाओ सब भेजो, मैं टिकट खरीद के पिक्चर देखने जाऊँ, आई एम सो गरीब आदमी। खैर सारी बातों के बीच एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि भाई ने तुम्हारी मेहनत करके वीडियो बनाया, थोड़ा सा थका हुआ भी था, कुछ ट्रैवल वगैरह किया, कुछ मूड भी ऑफ था, पर एक वीडियो बनाना तो बनता ही था कि आज जवान का एडवांस बुकिंग का फाइनल डे है, तो इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब छोटा सा भाई एक सब्सक्राइब दे दूंगा। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, एंड जवान पे ही मिलते हैं। ओके बाय, जय हिंद जय जवान।